करते हैं बिना देरी किए, है ना। करंट अफेयर है, टुडे इज करंट अफेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है 4-5 जून 2022 की, है ना, कल और आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्न में से कौन से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। तो कौन है जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, तो चलिए कमेंट कीजिएगा जल्दी, हाँ देरी ना करें, है ना, कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर होगा राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन, है ना। तो देखिए इसका 2 और 3 दोनों होगा, तो इसका आंसर 4th नंबर का हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, जो कि इस चुनाव के मुख्य विपक्षी भाजपा मैदान से बाहर रही है, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सी एस ई के रिपोर्ट के मुताबिक राजधानियों में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए करंट अफेयर बताइएगा, है ना। CSE की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानियों में सबसे अच्छी स्थिति चेन्नई की है। तो चलिए चेन्नई की सबसे अच्छी स्थिति है, तो यहाँ 1443 का अनुपात है। विशाखापट्टनम में प्रति 1000 पुरुषों पर देश में सबसे ज़्यादा 1997 महिलाएं हैं, यानी कि 1997 महिलाएं हैं। इसके बाद देखिए राजधानी रायपुर में पीछे हैं, जबकि 1000 पुरुषों पर 715 महिलाएं हैं। इसके बाद 16 शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, है ना। इस YouTube चैनल पर आज से ही शाम 5 बजे CG व्यापम एडियो और हॉस्टल वार्डन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं या दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन लिंक पर दिया गया है, आप जाके जुड़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, 2015-16 से 2019-21 के बीच में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 3% बढ़ी है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, यह सवाल पूछा गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2015-16 से 2019-21 के बीच में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 3% बढ़ी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 13% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 2019 और 21 की रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे का शिकार होने वाले पुरुषों में 23% के मुकाबले महिलाएं 24% ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर प्रश्न पर आपको डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पंचकूला में किस खेल को लॉन्च करेंगे। चलिए कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी में पंचकूला के किस खेल को लॉन्च करेंगे, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा खेलो इंडिया युवा खेल 2021। देखिए यहाँ पर खेलो इंडिया युवा खेल 2021 के चौथे चरण में पूरे देश के करीब 8500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ का हिस्सा लेंगे, जो कि खेलो इंडिया युवा खेल 4 से 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। कितने जून तक आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया युवा खेल को, 4 से 13 जून तक। चलिए आज जो की है 5 जून, तो कल से प्रारंभ हो चुका है, 13 जून तक चलेगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है, तो इसका आंसर होगा शिमला, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल ही में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है। जी बिल्कुल। इसके बाद मैं बात करूं कि यह देश भर में जिला मुख्यालय, राज्यों की राजधानियों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ से किसने कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? चलिए, किसने गोल्ड मेडल हासिल किया, आंसर कीजिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से किसने कर्नाटक स्टेट ओपन पावर पर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? जी बिल्कुल, आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा उद्धव शर्मा जी। ठीक है, दुर्ग के पावर लिफ्टर उद्धव ने बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ का परम परचम लहरा दिया है, परचम लहरा दिया है। ओके, इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग के प्रतियोगिता में, यानी कि प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। इसके बाद है कि कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में ओपन पावर लिफ्टिंग खेल का आयोजन किया गया था, साथ ही इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट के 150 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उद्धव शर्मा जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। चलिए अगला देखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिमदरहा मिंडवे रिसोर्स का लोकार्पण कहाँ किया है? देखिए, अभी जितने भी मैं करंट अफेयर आ रहा है इसका मैं आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ, आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसका आंसर होगा रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे, जो कि यह प्रदेश में पर्यटकों के लिए इस तरह का पहला मिडवे रिसोर्ट है जहाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यंजन उपलब्ध होगा। साथ ही रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में केशकाल घाटी से लगे हुए 25 एकड़ में यहाँ रिसोर्स फैला है ना, और रिसोर्ट के फूड जोन में टूरिस्ट का प्रवेश निःशुल्क रहेगा, ये भी बताया गया है। इसके बाद रायपुर के 160 और जगदलपुर से 140 किलोमीटर में खाले मुरवेंड में यह नया रिसोर्ट बना हुआ है। ओके, चलिए इसके बाद अगला देखेंगे। अगला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिमदरहा मिंडवे रिसोर्स का लोग, अच्छा ये वाला तो हो गया है ना। चलिए, इसके बाद देखेंगे, थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी ने उपहार स्वरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को क्या भेंट दिया है? क्या भेंट दिया है? तो ये बैडमिंटन किट। क्या है? बैडमिंटन किट, जो कि थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उपहार स्वरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अपने हस्ताक्षर किया हुआ बैडमिंटन किट भेजा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है, भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव संजय मिश्रा ने, भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव कौन है, संजय मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को उन्हें यह उपहार भेंट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ द्वारा इस वर्ष छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन की इंटरनेशनल चैलेंज स्पर्धा का आयोजन का फैसला किया गया है। इसके आयोजन की संभावित तिथि 20 से 25 सितंबर 2022 तक रहेगी। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी फिल्म को रीजनल फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे चयनित किया गया है? चलिए आप आंसर में कमेंट कीजिएगा किसे चयनित किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये, और ये हाल ही में अभी इसका पिक्चर टॉकीज में चला है ना। तो इसका आंसर होगा भुलंद मैच। देखिए, इसका जो फिल्म है 2-4 दिनों पहले लगा था, है ना। प्रदेश की ही फिल्म मनोज वर्मा ने इस फिल्म को बनाया है। किसने बनाया है? भुलंद मैच फिल्म मनोज वर्मा ने इस फिल्म को बनाया है। साथ ही इसकी शूटिंग भी महुआ भाटा गांव के जंगलों में हुई है। कौन सी जंगल में हुई है? महुआ भाटा गांव में। छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली राष्ट्रीय पुरस्कार विनर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट करते चलिएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली राष्ट्रीय पुरस्कार विनर फिल्म भूलन द मेज, जो कि मेज टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। और साथ ही यह फिल्म संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन भूलन कांदा पर बनी है। देखिए, ये वाला आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आगामी एग्जाम में काम आ सकता है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ी कलाकार ओंकार दास मानिकपुरी इस फिल्म में लीड कैरेक्टर है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखेंगे। चलिए, यह लास्ट था है ना, आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।